और हरिद्वार में लेते हल्की चाय का मजा और सीधे मिलते हैं आपको ऋषिकेश में। तो गाइस धीरे धीरे योग नगरी ऋषिकेश की ओर 3-4 दुकानों में हम घूम चुके हैं, लेकिन जो सामान मुझे चाहिए अभी भी नहीं मिला। और पहले खा लेते हैं खाना और फिर उसके बाद देहरादून। और देहरादून में नवीन भाई से मुलाकात। हेलो हेलो नवीन भाई। और तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का यूके विजय ब्लॉग में। मैं हूं विजय नेगी और एक नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं आप सभी का। सो गाइस, पिछला ब्लॉग देखा होगा आपने, लखनऊ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी और लक्सर में हमारी जर्नी ख़त्म हो गई थी। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ लक्सर से, जो कि हरिद्वार से थोड़ा पीछे पड़ता है। एक ट्रेन देहरादून के लिए पहुँच चुकी है और दूसरी ट्रेन एक तरफ हमारी है, इसमें हम बैठे हैं, वो भी जनरल डिब्बे में। लखनऊ जर्नी की बात करें तो काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग जर्नी रही लखनऊ वाली हमारी। और अगर ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन पूरी पूरे 6-7 घंटे लेट हो रखे है। हमने पहुंचाना था 5 बजे ऋषिकेश, योग नगरी ऋषिकेश, और हम पूरे 6-5 घंटे लेट हो गए। तो अब हम लगभग पहुंचेंगे टाइम से, 12 या 1 बजे हम ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। और अभी फ़िलहाल हरिद्वार स्टेशन का आना बाकी। तो गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन और हरिद्वार में लेते हल्की चाय का मज़ा और सीधे मिलते हैं आपको ऋषिकेश में। तो गाइस धीरे धीरे योग नगरी ऋषिकेश की ओर प्रस्थान। पहले सारा फुल भर रखा था, अभी सारा खाली हो गया, सारा खाली। और सुबह तक यहाँ सीट नहीं मिली थी बैठने के लिए। और गाइज अगर मौसम की बात की जाए तो ऋषिकेश से नीचे हरिद्वार तक बहुत ही बेकार मौसम हो रखा था, सारा धुंध। और जैसे हम ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं तो मौसम देख सकते हो कितना क्लियर हो रखा है मौसम। और जैसे जैसे पहाड़ों में चढ़ते रहेंगे ऊपर तो और भी बहुत प्यारा देखने को मिलेगा। और गाइज यहाँ का मौसम और वातावरण देख सकते हो आप कितना बढ़िया हो रखा। भले हमारे अभी मुँह हाथ धोना कुछ नहीं हुआ, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे ऋषिकेश, वहाँ मुँह हाथ धोना होगा, क्योंकि सुबह से बहुत ठंडा था तो मुँह हाथ धोना भी अभी हो नहीं पाया हमारा। तो गाइज फाइनली ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं हम। और यहाँ से एग्जिट करने के बाद मार्केट का लोकेशन और बताते हैं आपको आगे क्या प्रोग्राम आज। तो गाइज फाइनली उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में हम प्रवेश कर चुके हैं और इसी स्टेशन से हमारी लखनऊ की यात्रा शुरू हुई थी, ट्रेन की यात्रा। और इसी स्टेशन पे हमारी यात्रा होती है ख़त्म। और बाकी दृश्य की बात करें तो परसों बताया था मैंने इवनिंग में आपको, और अभी भी दिखाता हूँ, बहुत शानदार व्यू रेलवे स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश का। तो गाइज ऋषिकेश में आके सबसे पहले चाय पीते हैं और फिर ब्रश करते हैं, मुँह हाथ धो लेते हैं, फिर करते हैं यहाँ से निकलने की तैयारी। तो गाइस अब रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हम चलते हैं सबसे पहले तिरुवल्लीघाट जाने हैं, कुछ काम है विशेष तो वहाँ चलते हैं सबसे पहले। तो फिलहाल जिस काम से हम ऋषिकेश में रुके हैं वो काम तो हमारा हुआ नहीं, हो सकता है हमें देहरादून जाना पड़ सकता है इसके बाद। लेकिन पहले खाना खाते हैं फिर देखते हैं देहरादून जाते हैं, कर्णप्रयाग को निकलते हैं। कर्णप्रयाग के लिए तो टाइम बचा नहीं हमारे पास, क्योंकि ट्रेन कर चुके हैं 8 घंटे लेट पूरे। और पहले खा लेते हैं खाना और फिर उसके बाद देहरादून ही जाना। तो खाना खाने के बाद अब इंतज़ार करते हैं देहरादून की कोई गाड़ी का, और देहरादून की गाड़ी मिलेगी तुरंत निकल लेंगे देहरादून। एक बार फिर होने वाली है हमारी बस की सवारी ऋषिकेश से देहरादून के लिए, और इस बार मुझे सीट मिली है। दोपहर जी खड़ी खड़ी परेशान सुबह से ट्रेन में भी और यहाँ भी। देहरादून के रिसना पुल हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से सबसे पहले जाना होगा हमें घंटाघर की तरफ। और घंटाघर का कुछ इस प्रकार का दृश्य दिखता है रात को। कल सुबह 10 बजे से लगे हैं सफ़र पे और अभी भी सफ़र हमारा ख़त्म हुआ नहीं, एक दिन और एक रात होने वाला है पूरा और सफ़र अभी ख़त्म हुआ नहीं। और अभी फ़िलहाल हम घूमे हैं देहरादून में कुछ काम से, विशेष काम दिखाते हैं आपको। तो लेनोवो के शोरूम पे हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से बढ़िया से डिस्प्ले देखनी है एक बड़ी सी, जिसमें फ़ोटो का काम और वीडियो का काम दोनों हो जाए।
एलसीडी होगी सबसे पहले चेक, चेक करवा दो अगर कुछ वीडियो हो। कोई भी चला दो एक वीडियो, क्वालिटी और साउंड चेक कर लूँ। क्या बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट नहीं, डेबिट कार्ड अभी से स्टूडेंट सेनेटर की एक सख्त जरूरत थी हमें, तो स्पेशल शोरूम में आ रखे हैं देहरादून लेनोवो के शोरूम में, और वहाँ से ले लिया हमने एलईडी एक बढ़िया सी, कितने इंच की, 27 और देहरादून में नवीन भाई से मुलाकात। हेलो हेलो नवीन भाई, और तो पाल जी तो लगातार 5-6 दिनों से शांत भाई ठीक है, सब बढ़िया, चकाचक, काफी टाइम बाद नवीन भाई से मुलाकात, बहुत टाइम बाद। तो गाइस फिलहाल पिछले ब्लॉग में जब हम देहरादून आए थे तो नवीन भाई की शादी की शॉपिंग करने आ रखे थे, और आज इत्तेफाक देखिए नवीन भाई हमें मिलने आ रखा है देहरादून में। तो गाइस आज दिन भर की मौज मस्ती के साथ और थकान के साथ, क्योंकि 2 दिन और एक रात लगातार ट्रैवल कर रहे हैं हम, पहले हुआ था बस से, फिर ट्रेन से, और फिर बस से हुआ हमारा ट्रैवल, और लास्ट में टेम्पू का भी ट्रैवल किया था हमने देहरादून में आके। काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग रहा ब्लॉग आज का। मैं आते आते KTM का एक हल्की सी राइडिंग जरूर ली, मौका मिला आज KTM फिर चलाने का, और फिलहाल हम खाना पीना खा के रूम पे आ चुके। सो गाइज आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको, वीडियो पसंद आए तो लाइक से कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ आने वाला नेक्स्ट ब्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलें।